हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषिकेश मोरे। आपका सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दादर में एक शॉप है, दिस इज नेम ऑफ साड़ी गर्ल, मैं आज आपको वहां पे लेके जा रहा हूँ। बहुत क्रिएटिव चीज़ें मिलती है, जैसे कि यहाँ पे नाम उनका शॉप का है साड़ी घर, बट यहाँ पे साड़ी के कंदिल्स भी मिलते हैं, बहुत क्रिएटिव चीज़ें मिलती हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर द साड़ी घर। आप ये जो देख रहे हैं मेरे सामने, ये साड़ी घर के अभी अंदर हम लोग एंटर करने वाले हैं। मैंने अभी जो आपको एक एरिया बताया, ये जो दादर स्टेशन में दिखा रहा हूँ, दादर स्टेशन से हार्डली 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है दादर वेस्ट में, नियर लैंडमार्क में बता दूँ आपको, सुजीरा करके लैंडमार्क है, तो वहाँ से स्ट्रेट आना है एंड उसी लेन में आप अगर किसी को भी पूछ लेंगे कि साड़ी घर, तो आपको कोई भी बता देगा। तो हम लोग अभी साड़ी घर के अंदर, हम लोग अभी जा रहे हैं साड़ी घर के अंदर। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे गणपति गौरी जो आती है, यहाँ पे बहुत अच्छे स्टैचूज मिलते हैं गौरी के। अब मेरे उन्होंने एक डिस्प्ले में लगाया है कि इनके पास डिस्प्ले हमेशा परमानेंटली रहता ही है। इनके पास बहुत अच्छी साड़ी का कलेक्शन, जो मराठी में बोलते हैं सोलो धोतर, उसका भी अच्छा खासा कलेक्शन होता है। उनके पास स्पेशली गौरी का भी बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। हम आज उनके जो ओनर हैं गौतम, उनसे ही बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या बताते हैं वो आज। में जैसे कि आकाश कंदिल बोलते हैं, तो ये स्पेशली यहाँ पे इनकी खासियत है, ये साड़ी के खास बहुत पैठनी के वगैरह कंदिल्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर लगाए हुए, तो ये बहुत अच्छा कलेक्शन इनके पास मिलता है, बहुत ही क्लासी कलेक्शन। आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बने हुए फेटे भी मिलते हैं हर एक टाइप के। इनका ऑन कलेक्शन है इनका बहुत अच्छा, स्पेशली ऑन गौरी के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है इनके पास। नववारी वगैरह बोलते हैं, वो भी इनके पास रेडीमेड मिलती है। आप जो देख रही है ऊपर स्टैचू में, यहाँ पे जो नववारी पहनी है, इस कॉल्ड पेशवाई, ये ऐसे सी के भी इनके पास मिल सकती है, बट आपको यहाँ पे आना पड़ेगा दादर वेस्ट साड़ी का। बहुत अच्छा कलेक्शन है मेल्स में भी, आप जो मराठी में बोलते हैं सोहड़े, तो वो सोहड़े भी आप यहाँ पे मिल सकते हैं इनके पास। मैं मिस्टर गौतम है, उनसे भी बात करूँगा, ही इज़ क्वाइट बिजी विथ वन कस्टमर। तो हम तब तक हम लोग अदर शॉप पूरा, आप देख रहे हो इनके पास बहुत अच्छा वैरायटी, साड़ियों का कलेक्शंस भी अच्छा है। मैं उनसे पे कस्टमर स्वेटर भी बना के मिल सकता है यहाँ पे, और मतलब जैसे कि अगर कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है बच्चों के, इसमें तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे कपड़े वगैरह भी अवेलेबल होते हैं एंड कस्टमाइज कपड़े भी बना के मिलते हैं बच्चों के, बच्चे या बड़े दोनों के कपड़े बना के मिलते हैं। आप अभी जो देख रहे हैं कस्टमाइज फेटा, स्पेशली उन गणपति पप्पा में वगैरह जो फेटा लगता है, ये भी ये स्टाइल्स के फेटे भी बनाते हैं। इनकी बहुत एक स्पेशली खासियत ये है, भगवान की जो हमारे मंदिर में मूर्तियां होती है ना, छोटी छोटी मूर्तियां, उसके लिए भी 1 इंच के 2 इंच की भी अगर मूर्ति हो, तो उसके लिए भी ये अच्छी अच्छे खासे ड्रेसिंग बनवाते हैं। मैं ट्राई करूंगा अगर उनके पास कुछ हो दिखाने के लिए। विट्ठल रुक्मिणी की जो मूर्ति है, उनके स्पेशली देवघर की है, मंदिर की है, वहाँ पे देखो कितना प्यारा प्यारा तरीके से वो उनको सजाया है। ऐसे छोटे छोटे, इससे भी छोटी छोटी मूर्तियाँ अगर होती है, तो उसके लिए भी ये यहाँ पे कपड़े भगवान के तैयार किए जाते हैं। दोस्तों आप अभी जो देख रहे हैं गौरी का मुखौटा बोलते हैं इसको महाराष्ट्र में, फेस, ये फेस भी इनके पास अवेलेबल होते हैं। इनकी बहुत अच्छी खासियत है, इनका खुद का क्रिएशन ही है गौरी का सब वर्क, ड्रेसिंग एंड ऑल। तो आप अगर ये भी लेना चाहो तो ये गणपति में भी बहुत अवेलेबल होता है। आप कभी भी आएंगे तो इनके पास बहुत अच्छे कलेक्शंस और ये इसका बहुत ही ये रहेंगे।
आप ही हमें बताइए आपके शॉप में क्या क्या स्पेशल होता है। हमारे पास बेसिकली हम लोग सब भगवान के जो कपड़े होते हैं, मूर्ति के जो कपड़े, उसमें 2 इंच से लेके पूरा लालबाग का राजा का साइज तक हम लोग पूरा गणपति का और सब सब टाइप के भगवान की मूर्ति हम लोग बनवाते हैं। भी कपड़े जितनी भी छोटी साइज से लेके जितनी भी बड़ी साइज तक सब कपड़ों पे हम लोग काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मूर्ति का एक फोटो लगा हुआ है, ये कस्टमाइज किया हुआ है। वैसे ही आपने देखा रहेगा कि हमारे पास रेगुलर जो विट्ठल रखुमाई की जो मूर्ति होती है, साउथ इंडियन लोगों में जो एक बालाजी की छोटी मूर्ति होती है उसमें के हमारे पास उसके भी ड्रेसेस हमारे पास बनते हैं। गौरी के हमारे पास सब होता है, मतलब जैसे बोला जाता है पिन टू पियानो, वैसे गौरी का बाल का बिंदी से लेके पैर का जोड़वी तक पूरा सब कस्टमाइज होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये साइड में आप देख सकते हैं कि गौरी का पूरा हमारे पास आभूषण होता है, जैसे कि बाल का बिंदी होती है और पैर का जोड़वी तक सब पूरा हम वो कस्टमाइज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सब टाइप के टर्बन्स बनते हैं, जैसे पेशवे कालीन सब टाइप के टर्बन्स होते हैं, फिर पगड़ी में सब हम काम करते हैं, उसमें पगड़ी जो है वो हम भगवान के लिए भी बनवाते हैं, छोटे टाइप के पगड़ी भी बनते हैं। उसके अलावा हमारे पास जेंट्स के लिए सब धोती, लेडीज़ के लिए सब साड़ी, ये सब कस्टमाइज स्टिच किया हुआ सब कुछ होता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ओपन नहीं कर सकते, ये सब स्टिच किया हुआ होता है। उसके अलावा हमारे पास पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली साड़ीज बनते हैं, जो कि जिनके दादी लोग हैं जो पहन नहीं पाते हैं, पहले से ही जो पहना करते थे और अभी उनको गाउन में अनकंफर्टेबल लगता है, तो उनके लिए हम वैसे साड़ीज बनाते हैं। जैसे रेडीमेड 6 यार्ड्स होता है तो उसमें सिर्फ पैर डालना है, नाड़ा बांधना है, पल्लू करना है। उसके अलावा हम लोग ब्लाउजेस वैसे स्टिच करते हैं, अगर कस्टमाइज है तो सिर्फ पेशेंट के लिए, जो उसमें कैसा होता है कि उसमें वेलक्रो लगाया हुआ है, क्योंकि जो जिनके हाथ फ्रैक्चर है ये है, तो उनके लिए कस्टमाइज ब्लाउजेस वैसे बनाया जाता है। उसके अलावा हमारे पास छोटे बच्चों लोगों के लिए ऐसे सब कॉस्ट्यूम्स बनते हैं, 1 साल से लेके बड़ों तलक, ये हमारा स्पेशलिटी है। और तो और हमारे पास सब टाइप्स के गौरी होते हैं, मतलब जो आइडियल्स आपने जो देखे उसमें प्लास्टर ऑफ पैरिस से लेके वुडन तलक सब, मतलब 1000 रुपीज से लेके 65,000 70,000 तलक गौरी होती है। जो हमारी स्पेशलिटी गौरी है उसकी जो आप है वो वेस्ट जर्मनी से लाई गई है, आगे जो है रखी है, ये सब हमारे पास बनता है। या गौतम दे रहे हैं हमें हमारे यूजर्स को, अभी मैं जो देख रहा हूँ इसको बोलते हैं बनारसी शेला, जो स्पेशली लड़कियाँ शादी में और बहुत ट्रेडिशनल यूज में ही आता है। ये कलेक्शन मैं पर्सनली यहाँ से मैंने बहुत बार बाय किया है। दोस्तों मैं एक बताना चाहूँगा कि ये कलेक्शन और ऑर्डिनरी शॉप में नहीं मिलेगा, सिर्फ साड़ी घर में ही आपको अवेलेबल है बनारसी शेला। शेला तो ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, बट बनारसी शेला अब जो ये टाइप के मिल रहे हैं वो सिर्फ साड़ी घर में मिलेंगे। मैं एक बार शेला के बारे में गौतम से फिर से बात करना चाहूंगा। पहले जो पुराने जमाने में जो राजा महाराजा के जो लोग होते थे उनके वाइफ ये इस्तेमाल किया करते थे। इसका जो विड्थ है वो सिर्फ 2 फुट का होता है और इसका जो लंबाई है वो 2 मीटर्स का होता है। बेसिकली ये क्या होता है कि ये पल्लू और इसके बीच में ये लिया जाता था। पहले जो राजघराने के जो लोग थे ये उसमें ये जो वर थे ये पूरे सोने में बनती थी, तो अभी आजकल ये आर्टिफिशियल रॉ सिल्क में बनारस में और ये जो है ये प्योर जरी में बनती है। तो ये है हमारी स्पेशलिटी। बेसिकली हम लोग सब ट्रेडिशनल आइटम्स रखते हैं, इसके वजह से हम ज़्यादातर ट्रेडिशन पे ही ध्यान देते हैं, हमारे पास फैंसी आइटम्स नहीं होते। बेसिकली हम लोग सब ट्रेडिशनल में ही करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्राउनी स्टाइल का साड़ीज है जो कि स्टिच किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये पेशवा स्टाइल है जो पहले के ब्राह्मण लोग जो पहना करते थे, तो इसको जो बोलते हैं ये ओचा है। तभी पर्स मार्केट में नहीं थी, लोग कभी पर्स इस्तेमाल नहीं करते थे, ये जो ओचा है इसमें ही एक आर्टिफिशियल के अंदर ही सब कुछ रखा जाता था। जैसे कि जो भी राजघराने के लोग जब भी बाहर निकलते थे कोई भी ओकेजन के लिए, तो उसके लिए ये सब यहाँ पे किया जाता था। अभी थोड़ा सा ट्रेंड लड़की लोगों को ब्राह्मणी स्टाइल से थोड़ा अपर ग्रेड किया है, इसको थोड़ा जिगजैग किया हुआ है, तो इसको फैंसी लुक दिया हुआ है, तो इसके लिए इसका नाम पेशवाई रखा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी पेशवाई स्टाइल ही है। उसके अलावा अभी नया स्टाइल भी हम लोगों ने मार्केट में लाया है जो मयूरपंख करके उसे कहा जाता है। तो ये नया नया कुछ ना कुछ
अभी लड़की लोगों को हर टाइम कुछ नया चाहिए, वो हिसाब से थोड़ा ये ट्रेंडी लुक्स लाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी के इसमें भाग दौड़ी में भी लड़की लोग सब ट्रेडिशन संभाल के सब कुछ करते हैं, तो वो हिसाब से हम लोग ने भी थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस किया हुआ है। अभी स्पेशलिटी, अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली में मैंने आपके यहाँ से मैंने बहुत बार देखा है कि आप स्पेशली साड़ी के कंदील बनाते हैं। जी हाँ। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है उसमें? साड़ी के कंदील में हमारे पास बेसिकली ये दिमाग में आया था कि कंदील जो होता है, जैसे लैंटर्न जो कहा जाता है, वो बेसिकली पहले से कागज में बनाया जाता था, जैसे आकाश कंदील जिसको कहते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा आया कि पैठनी का क्यों नहीं बनवाया, क्योंकि आपने देखा रहेगा पैठनी का सब कुछ बनता है। तो हम लोग ने फिर पैठनी का कंदील मार्केट में लाया, लास्ट 2 ईयर्स में हम लोग ने लाया, और ये साल हमारे पास नया और भी वैरायटी आने वाले हैं। ये तो हमारे पास रेगुलर चलते ही है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और नए भी आएंगे। उसमें आप बाद में वो लैंटर्न जो है वो आप लैम्प के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो स्टॉक अभी आया नहीं है, लेकिन वो आ कब तक आने की? एक 4-5 दिन में आ जाएगा वो स्टॉक। ओके, मतलब हमारा वीडियो भी जल्दी रिलीज हो जाएगा, तब तक आ चुका रहेगा स्टॉक। ओके, तो पूरी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों, आप ट्राई कीजिए। गौतम जी का पर्सनल नंबर भी मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे आके बाय भी कर सकते हैं। यह है आपके पास, मैंने सुना है साड़ियाँ भी अच्छी 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 कलेक्शन में कलेक्शन है आपके पास? ज्यादातर सब 9-8 साड़ीज का ज्यादा कलेक्शन होता है। व्हाट इज 9-8? जो नौवारी जो कोली लोग जो पहना करते थे। ओके, या फिर जो भी संस्थानिक लोग जो पहना करते थे, जैसे मैंने कहा वैसे राज घराने के जो लोग पहले 9-8 साड़ी, पहले सबसे पहले 6-8 साड़ी थी नहीं, पहले 9-8 ही पहना करते थे। बाद में जब साड़ी टाइम टाइम की बात है, जैसे बाद में जो लोगों को 9-8 पहनने डिफिकल्ट होने लगा, इसके लिए मार्केट में 6-8 आया। जैसे 6-8 के बाद अभी आप देख सकते हैं कि जैसे लोग पंजाबी ड्रेस पे आ गए, फिर जीन्स आ गई, वैसे ही जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते गया, ये होते गया, वैसे वैसे चेंजेस होते गए, तो वो ही सब। लेकिन हमारे पास जो भी आप देखेंगे उसमें हमारे पास ज़्यादातर सब ट्रेडिशनल आइटम्स ही होते हैं, हम लोग ज़्यादातर ट्रेडिशनल पे ही ध्यान देते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कलेक्शन ज़्यादातर ट्रेडिशनल साड़ीज का ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये सब साड़ी देख सकते हैं, उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये इरकल साड़ी है। इरकल साड़ी, हाँ, तो मतलब ज़्यादातर हमारा मेन कंसर्न ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल, और बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि रीजनेबल, मतलब वो बढ़ना चाहिए कि उसमें हम लोग रीजनेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्टिचिंग में भी हमारा रेट सब रीजनेबल ही होता है। या थैंक्स गौतम, आपने बहुत ऑथेंटिक ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन हमारे यूजर्स को दी है, शायद हमारे यूजर्स को ऐसी इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं थी, अगर पता भी होगी तो भी आपके पास जो कलेक्शन है था वो अभी पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, आप और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी हाँ जरूर, ये चैनल को आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।